छत पर 11,000 वाट की बिजली की तार मौत के साए के रूप में लटकी हुई है। घर वाले चिंतित हैं, परेशान हैं। बता दें कि बिहार के बांका जिले के चांदन पंचायत के वार्ड नंबर 15 में 10 में से 40 घरों के छत पर 11,000 बिजली की तार सुबह शाम मौत बनकर घर के परिजनों को डरा रहा है। बता दें कि प्राथमिक उर्दू विद्यालय गौरा में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें स्कूल में कई बार अनहोनी से भी बच चुके हैं। वहीं शेख रूपशान के घर के छत पर मात्र 3 फीट की दूरी पर तार लटका हुआ है। आज शेख रूपशाना के बच्चे बाल बाल बचे। तार इतना करीब है कि माथे के साए के ऊपर मौत मंडरा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इमरोज शेख हुआ। अच्छा, इस तार से हम लोग कई वर्षों से परेशान हैं। प्रॉब्लम पहले बताइए भाई, आपका जो नाम है इमरोज शेख है जी, ये देख रहे हैं 11,000 की तार जो है एकदम आपका घर से एकदम जो है लटका हुआ है। लगता है कि कुछ मतलब अनहोनी का मतलब जो है संदेश दे रहा है। इसके बारे में आप हमको बुलाए हैं तो क्या कहना चाहते हैं? जी, इससे कई बार जो है इस तार से हमारे यहाँ बच गया है, मरते मरते बच गया है। अच्छा, तो ये तार से हम लोग काफी वर्षों से इससे परेशान है और हम लोगों ने कितनी बार एप्लीकेशन दिए जेई के पास भी, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान अभी तक हुआ नहीं है। कल दिन अगर कोई मर जाता है, कुछ हो जाता है हम लोग के साथ, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? मैंने तार से मैंने इतना मैंने प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत परेशानी है। हम लोग अच्छा, पल पल मर रहे हैं, इसको देख के डर से हम लोग अच्छा से जो है ना सो नहीं पाते हैं कि कब तार गिर जाएगा और हम लोग के साथ हादसा हो जाएगा। अच्छा, ये आप बताना चाहेंगे मतलब समाज के, आप भी मतलब जो है एक एक तरह का जो है समाज सेवी है, ये तार कहाँ तक गया, किस तरह का मामला बन रहा है? जी सर, इससे मेरा गाँव का 25% लोग कम से कम प्रभावित है। अच्छा, ये पूरे मोहल्ले में ये तार हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत सारे के पास तो जमीन है लेकिन घर नहीं बना पा रहे। अच्छा, और एक ही घर में मजबूरन बस रह रहे क्योंकि पूरे जमीन में तार गया है। अच्छा, और ये तार से बहुत ज्यादा का कोई फायदा भी नहीं है, ओनली अच्छा। फॉर एक ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ गया, जो कि इसका अगर ड्रॉइंग देंगे रोड के उस पार से 11,000 तार पार हुआ है और सिर्फ उस पार से इस पार करना है और उस ट्रांसफार्मर तक आ जाएगा, लेकिन उस एक ट्रांसफार्मर के लिए इतने लंबे लाइन इतना लंबा तार को खींच के ले गया है, जो कि अगर नहीं भी यहाँ से ले जाएगा तो सरकारी विभाग को कोई आपत्ति भी, इसमें कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है। हम लोग जितने भी इसमें प्रभावित हैं सबको हम लोग को जो अपना जमीन का फायदा उठाना होगा उठा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बीच में रोकना चाहेंगे, देखते हैं कि मैंने छत से आखिर कितने दूरी पर है तार, आप लोग चल के हमको दिखाइए छत। हेलो, हेलो, अब अपना सब ये यही तार है ना? जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आखिर मतलब ये जो रेलिंग देख रहे हैं छत पर रेलिंग है, इसे कितना दूरी पर मतलब लगता है 2-2.5 फीट का मतलब मामला है? बिल्कुल, क्या कहना चाहिए? बस इतना ही दूर पर अगर बच्चा रेलिंग पर चढ़ जाता है तो मतलब आसानी से उसको उसमें टर हो सकता है। गांव वालों ने इसकी सूचना अविलंब चांदन अंचल पदाधिकारी प्रशांत कुमार सांडलिए और चांदन प्रखंड प्रमुख रवीश कुमार चांदन के मुखिया अनिल कुमार को दी। घटना पर बुलाकर तार और उसके हालात को भी दिखाया, बावजूद इसके अब तक त्वरित कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। बहरहाल आपको बता दें कि प्रखंड विद्युत पदाधिकारी रविराज को मोबाइल के जरिए सूचना दी गई है। सूचना पाते ही प्रखंड विद्युत पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर बिजली तार को देखते हुए ग्रामीणों को समझा बुझाकर आश्वस्त किया कि जल्द ही इसे ठीक किया जाएगा। हम लोग कई बार उच्च पदाधिकारी के पास भी गए, स्कूटी साहब के पास भी गए, जेई साहब के पास भी गए, ठीक है, सारे लोग, देखिए ये मुख्तार अंसारी, ये बशीर अंसारी, मासूक आलम अंसारी, सारे लोग गांव से, यानी ये तो परेशानी अभी ये सबसे नज़दीकी चीज़ है कि ये आज के डेट में ये जो टूटा हुआ है मतलब कब हादसा हो जाएगा कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण से डर से ना सोता है ना खाता है। ये लोग जो है बहुत प्रभावित है इस तार से और बहुत ज़्यादा डर भी है, और हम आवेदन जो है स्कूटी साहब को भी दिए हुए हैं और जेई साहब को भी इसको वहाँ पे पहुँचा के दिए हुए हैं। अच्छा, और ये जो है खास बात ये है कि पूरे गांव का बच्चा जो है हमारे उर्दू मकतब स्कूल विद्यालय में
पढ़ाई करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ भी इससे बड़ा डेंजर स्थिति बना हुआ है। और हाल में सीओ साहब से भी शिकायत किए थे, मुखिया जी लोग भी फ़ोन किए थे, एक बच्चे का एक महीना पूर्व ये घटना हो गया था, जो कि सदर अस्पताल चांदन में उसका इलाज हुआ और काफ़ी परेशान हो गया था वो। मतलब भगवान का दया, खुदा का, अल्लाह पाक का क्रम है जो उनका जान बच गया। अच्छा, ठीक है, वो मरते मरते बच गया। तो हमारे गांव के सारे लोग हमेशा परेशान है। सरदार अहमद वो प्रधानाध्यापक हैं, उसका घर के पास, विद्यालय के पास, सारे जगह से मतलब ये तार से लोग परेशान हैं। मैंने स्कूल भी इसमें लपेट में आया जी, हुआ जी, है। जी 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 विद्यालय भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा अच्छा। और वो तो हादसा एक महीना पहले हुआ, इस घर में घटना जो है 2-3 बार लगातार हो चुका। अच्छा। कभी कपड़ा सुखाने के बहाने, कभी किसी बच्चे का एक बार लाठी लग जाने से, और आज ऐसा स्थिति हो गया कि ये जो बांस जो देख रहे हैं, ठीक है, टूट चुका है। अच्छा। टूट चुका है, यानी टूटने के बाद ये बांस का व्यवस्था किसने किया इस तरह का? जैसे ही रेलिंग में अभिषेक कुमार पांडे का दया रहा। अच्छा। वो एक मिस्त्री है जिसको कहने के बाद वो जो है मतलब ये थोड़ा सा व्यवस्था कर दिया, जिसके कारण थोड़ा सा जान बचा हुआ था। और आज जो ये तार टूट रहा है, जिससे लग रहा है कि लोग जो है मतलब ये हमारे घर में सारे लोग परेशान हो सकता है, और ये तार की वजह से जो है बहुत परेशानी में पूरा मैंने पोजीशन खराब है घर का, स्थिति मैंने कोई भी घटना घट सकता है, तार का मतलब जो है लपेट में आ सकता है बच्चा वगैरह, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर इलेक्ट्रिसिटी से भी बात हुई है और जेई साहब से भी बात हुई है, उनके द्वारा जो है अभी इस तार को हटाने के लिए और इसको ठीक करने के लिए वहां से अभी कर्मी को भेजा जा रहा है, और डीएम साहब से भी बात करेंगे इसको लेकर के, ताकि इसको यहां से हटा करके दूसरी तरफ से इसको पार किया जाए। आप प्रखंड के मालिक हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे बताइए? अरे तार जैसा स्थिति है, तार का कभी भी दुर्घटना घट सकती है, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि इसको जो है तार को अविलंब हटाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से जो छत के ऊपर से काफ़ी नज़दीक से पार हुआ, और स्कूल के अगल बगल से भी पार हुआ जी, तो समय रहते दुर्घटना। मुखिया जी आप भी कुछ बोलेंगे, चांदन पंचायत के मुखिया? सबों का एक ही मकसद है कि ये जो तार घर के ऊपर से गया है जी, ये तार खुलना चाहिए और दूसरी व्यवस्था करना चाहिए। ये घर का मामला है और स्कूल का मामला है, दोनों मामला सही करना चाहिए, तभी गांव वाला सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं तो कभी घटना घट सकती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूचना भयावह है और इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि 11,000 वाट के तार लटक रहे हैं, तो कोई भी अनहोनी होने के बाद उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि किसी भी अप्रिय घटना घटने से पहले इसे ताबड़तोड़ ठीक किया जाए। अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन अपने कामगारों द्वारा किस तरह लटके हुए तार को संभालती है और किस तरह ठीक करती है, क्योंकि लोग डरे सहमे हैं और सिर पर मौत मंडरा रहा है। बांका से मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप हमसे बात कीजिए, हमारा नंबर है 8826227802।